तो आज हम करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, इसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में क्या होता है, हम एटम एंड मॉलिक्यूलर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक होता है हमारा नेट एंड जेआरएफ के अकॉर्डिंग, वो होता है क्वांटम स्टेट ऑफ एन एटम। इसमें क्वांटम वर्ड यूज़ हो रहा है, क्वांटम मतलब कि बहुत ही स्मॉल, एंड स्टेट, स्टेट मीन्स कोई प्लेस, कोई जगह, कि हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है बहुत ही छोटा, ये किस जगह पर है एटम के अंदर। तो इसके हम देखने के लिए फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, द स्टडी और मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ और लाइट कलर्स। एंड इसको मतलब देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम मेज़र करते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट कलर्स। अब हमने ये मेज़र तो कर लिया, अब हम वेवलेंथ को प्रेजेंट कैसे करेंगे, हम इसके लिए स्पेक्ट्रम का यूज़ करते हैं, ए प्लॉट ऑफ द कलर प्रोफाइल, हम उस वेवलेंथ को प्रेजेंट करेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर से हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या निकल के आती है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसमें वर्ड यूज़ हो रहा है एक हमारा मैटर। मैटर क्या है, कोई भी एटम और मॉलिक्यूल है, लाइक एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस इन यूनिवर्स, कुछ भी हो सकता है हमारा। एंड इसके अंदर सेकंड वर्ड हमारा यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, इसमें आप वर्ड में देखें, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी हम रेडिएशन देखेंगे, ये हमने ले ली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऑपोजिट, एंड हमने यहाँ से लाइट प्रोपेगेट करवाई। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेव्स इस तरह से आएंगी, एंड मैग्नेटिक फील्ड जैसे इसमें बोला गया, ये हमारी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो ये इस तरह से वेव्स आ जाएंगी। ये वेव्स दरअसल में कैसी होती हैं, ये इस तरह से होती हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल लॉन्गर वेवलेंथ से शुरू होकर बिल्कुल शॉर्टर वेवलेंथ तक जाके ख़त्म हो जाती है। जो इनके बीच का डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं हम वेवलेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर कर रही है, इनके बीच में जो वेवलेंथ है बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हमारी लो एनर्जी होगी इसके अंदर एंड हमारी लो फ्रिक्वेंसी होगी। यहाँ पर इनके बीच में जो वेवलेंथ होगी बहुत ही छोटी आ जाएगी, तो ये इस साइड जो हमारी होगी ये होगी शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ है तो ऑब्वियसली इसकी एनर्जी होगी बहुत हाई होगी एंड फ्रिक्वेंसी भी हमारी हाई होगी। इसके अंदर हम अब टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। टाइप्स क्या होंगे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। हम इसके अंदर देखते हैं, यहाँ से जो स्टार्टिंग होगी हमारी, यहाँ पर जो वेव्स होंगी वो होंगी हमारी रेडियो वेव्स, एंड इसके बाद होगी हमारी माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड, और जो हमारी बीच में होगी वो होगी हमारी विजिबल लाइट, जिस पे हम डिफरेंट कलर्स मेज़र करेंगे। एंड इसके बाद होगी हमारी यूवी, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड दी गामा रेज। ये हमारे टाइप्स हैं कि इस तरह से आएंगे। इसके अंदर अब हम डेफिनेशन देखेंगे, हमारी डेफिनेशन क्या निकल के आई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इट टाइप ऑफ रेडिएशन दैट हैज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट टाइप ऑफ रेडिएशन दैट हैज़ बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हमने मॉडल लिए,
फर्स्ट मॉडल लेंगे हम बोर मॉडल, जिसमें हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के सिस्टम बताया गया है। इट इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग स्मॉल डेंस न्यूक्लियस सराउंडिंग बाय ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा न्यूक्लियस जिसमें चार्ज है हमारा प्लस जेटी, ये थ्री, ये ऑर्बिट बना दिए हमने दो, जिसकी स्टेट होगी फर्स्ट स्टेट एन इज इक्वल टू वन, सेकेंड स्टेट एन इक्वल टू टू, थर्ड स्टेट एन इक्वल टू थ्री। ये हमारा इस तरह से इलेक्ट्रॉन है जो कि सराउंड करेगा हमारे न्यूक्लियस के अराउंड। एंड जैसे अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, एंड इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट होता है, एक तो इसके अबाउट एंड हमारे इसके एक्सिस के अबाउट। इसमें बोहर ने थ्री पोस्टुलेट्स बताए हैं। फर्स्ट होगा हमारा एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। सेकंड होगा हमारा एन इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, एंड इसके अंदर थर्ड पोस्टुलेट्स जो होगा हमारा, द चेंज इन एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी में जो चेंज आया है, इट मेक्स ए क्वांटम जंप फ्रॉम द वन ऑर्बिट टू द अदर। ये जो एनर्जी में चेंज आया था, इसकी वजह से क्वांटाइज था, क्योंकि हमारा एंगुलर मोमेंटम, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज जंप कर गया वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम बोर मॉडल इन टर्म ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। एन क्या है हमारा इसके अंदर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। दिस इज मॉडल फेल्ड, ये हमारा मॉडल फेल्ड हो गया था क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। फिर आया समरफेल्ड, एनोल समरफेल्ड एक्सटेंड्स बोहर मॉडल टू इंक्लूड इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसने क्या किया था, बोहर ने सर्कुलर ऑर्बिट लिया था, लेकिन समरफेल्ड ने क्या किया कि इलिप्टिकल ऑर्बिट यूज किया। ये हमारा है इलिप्टिकल ऑर्बिट, एक्सिस है हमारे, ये न्यूक्लियस है प्लस जेड चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस तरह से घूमेगा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा जो हमारा बोहर मॉडल में होता था। इसमें इसने क्या किया, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फाइन लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, समरफेल्ड प्रपोज्ड ऑर्बिट टू बी इलिप्टिकल। इसने इलिप्टिकल ऑर्बिट लिया। वही जो एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द न्यूक्लियर चार्ज दैट इज सेट इनटू द मोशन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। समरफेल्ड ने पोस्टुलेट निकाले, इसने चार पोस्टुलेट निकाले, जैसे बोहर ने थ्री निकाले थे, इसने चार निकाले हैं। इस तरह से ये न्यूक्लियस है एलिप्टिकल ऑर्बिट से स्टार्ट करके, जैसे 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 इसने इसके अंदर एनर्जी इन टर्म ऑफ द फोटोन ऑफ एनर्जी इसने एमिट की, तो ये एलिप्टिकल से स्टार्ट होके लास्ट जो स्टेट होगी ऑर्बिट होगा हमारा वो सर्कुलर में आ जाएगा। तो इनकी जो क्वांटम नंबर होगा वो सभी का सेम रहेगा, एंड जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होगा इसके फर्स्ट स्टेट ऑर्बिट का वन, सेकंड टू, थर्ड थ्री, एंड फोर्थ का फोर्थ। इसका फॉर्मूला ये निकल के आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रेशियो ऑफ द एजिमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। लेंथ कैसे, ये इस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाया हमने, ये होगा हमारा मेजर एक्सिस, एंड जो ये होगा माइनर एक्सिस।
नेट में इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें दी गई है एन की वैल्यू, के की वैल्यू, इनको हमने मान लिया बी, इसको मान लिया हमने ए। एन की वैल्यू जैसे 3, के की वैल्यू 1, तो डायरेक्ट वैल्यू पूछी गई थी उसमें बी या ए की, इसमें से हम बी की वैल्यू निकालेंगे। बी बाई ए इज इक्वल टू 3/1, तो हमारी बी की वैल्यू निकल के आ गई 3a। इस तरह से हमारी वैल्यूज डायरेक्ट पूछी गई है नेट के अंदर। दिस मॉडल फेल्स टू अकाउंट फॉर द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम ऑफ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। ये भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए था, इससे ज़्यादा ये नहीं निकाल सकता, तो इसकी मॉडिफिकेशन की फिर से, फिर इसमें 5 स्टेट निकाली गई। 5 स्टेट टर्म्स जैसे एस पी डी एफ, समरफील्ड ने पहले ये 4 टर्म निकाले, अब इसने 5 एक और जी ऐड किया, इसने 5 टर्म निकाली, 5s, 5p, 5d, 5f एंड 5c। इसमें भी कुछ डिफेक्ट आया, ये भी सिर्फ हमें एक इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बता पाया, इससे ज़्यादा ये भी नहीं बता पाया। इसके बाद वेक्टर एटम मॉडल आया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो हमारा बोहर एंड समरफील्ड के भी, समरफील्ड मॉडल के भी अराउंड आया था, बट वेक्टर मॉडल में हम एडिशन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इनका हम एडिशन करेंगे तो हमारा ये इक्वल होता है रिजल्टेंट के, जो जिसे हम डिनोट करते हैं जे से। इसमें हमारी जो एल की वैल्यू, हमें हम बीएससी एमएससी में जैसे पढ़ते हैं, ये एल की वैल्यू होती है रूट एल इन टू एल प्लस 1 एच अपॉन 2π। एच अपॉन 2π को हम एच कट भी लिख सकते हैं, एंड इट्स जेड कंपोनेंट क्या होगा, एल जेड इक्वल टू, ये जो वैल्यू थी ना इसको हम एम एल लिख देंगे एच अपॉन 2i। एम एल क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमने यहाँ पे L की वैल्यू निकाली, इसी तरह से हम S की वैल्यू निकालेंगे। S की वैल्यू होती है हमारी रूट S इंटू एस प्लस 1 एच अपॉन 2π, एंड इट्स फॉर जेड कंपोनेंट। सेम बिल्कुल इसी तरह से हम इसको हम मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर लिख देंगे, एंड इस एच अपॉन 2π। बिल्कुल सेम तरीके से हम J की वैल्यू निकालेंगे। J हमारा L प्लस S होता है। J की वैल्यू क्या होती है, रूट जे इंटू जे प्लस 1 एच अपॉन 2π, एंड फिर से इसका जेड कंपोनेंट निकालेंगे, इस वैल्यू को हमने एम जे मैग्नेटिक लिख दिया एंड एच अपॉन 2π। ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई 3, ऑर्बिटल के लिए, स्पिन के लिए एंड रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम के लिए। जो इसमें एम जे होता है, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये लाई करता है प्लस जे टू माइनस जे। इसमें जो जेड कंपोनेंट निकाले हमने, जे जेड, एल जेड, एस जेड, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है इसके अंदर, और जो स्केलर क्वांटिटी ऑफ रिजल्टेंट है वो हमारी इक्वल टू होगी एल जेड प्लस माइनस एस जेड। एंड बिल्कुल ये अगर इसके इक्वल है तो हमारा मैग्नेटिक रिजल्टेंट क्वांटम नंबर भी एम एल प्लस माइनस एम एस। तो इससे लास्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या निकल के आता है, जे इक्वल टू एल प्लस माइनस एस। जे प्लस एस कब होगा, जब जे एल से बड़ा होगा, एंड जे एल माइनस एस कब होगा, जब जे छोटा होगा एल से। जैसे हम स्पिन हमेशा ऑलवेज हाफ होता है,
जैसे हम एल की वैल्यूज इसके अंदर रख लेते हैं, जैसे एल इक्वल टू वन, जे इक्वल टू एल प्लस एस, हम इसमें पुट करके देखते हैं, वन प्लस हाफ इक्वल टू थ्री बाई टू, एंड इसके अंदर माइनस वन माइनस हाफ इक्वल टू हाफ। ये देखिए हमने इन दोनों की वैल्यू पुट की, प्लस एस में थ्री बाई टू वैल्यू आई, मतलब जे बड़ा है एल से। एंड जब हमने इस फॉर्मूले में इसके अंदर इनकी वैल्यूज पुट की तो हमारा जे जो है वो छोटा आया एल से। अब हम थीटा निकालेंगे, ये हमने एटम ले लिया, यहाँ से एक फील्ड की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यहाँ से स्पिन एंड बीच में हमारा रिजल्टेंट जो एस स्पिन क्वांटम नंबर है, ये हमारा प्रोसेस अराउंड एल, एंड जो एल है वो प्रोसेस अराउंड द रिजल्टेंट, एंड ये इस तरह से हो जाएगा। जो हमारी थीटा की वैल्यू आएगी वो होगी जे, इसी फॉर्मूले से जे स्केयर इक्वल टू एल स्केयर प्लस एस स्केयर प्लस टू एल एस कोस इंटू एल इंटू एस। इसलिए हम कोस एल एस की वैल्यू हमारी ये इस साइड से माइनस हो जाएगा। जो जे की वैल्यू क्या होती है हमारी, जे रूट जे इंटू जे प्लस वन, एल की वैल्यू होती है रूट एल इंटू एल प्लस वन, एंड एस की वैल्यू होती है रूट एस इंटू एस प्लस वन। तो हम इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे, स्केयर है रूट कैंसिल हो गया, ये हमने ये थ्री वैल्यूज लिख दी अपॉन टू इंटू एल इंटू एस। दिस मॉडल कैन बी एक्सटेंडेड टू मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स। इसमें कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स एंड नोटेशन निकालेंगे हम। स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म जैसे हमने ले ली एस पी डी एफ जी, इसमें हमारी एल की वैल्यूज़ होती हैं, एस के लिए हमारी एल की वैल्यू ज़ीरो होती है, पी के लिए एल की वैल्यू वन, डी के लिए एल की वैल्यू टू, एंड एफ के लिए एल की वैल्यू थ्री, एंड जी के लिए एल की वैल्यू फोर। ये हमने जो J की वैल्यू निकाली है ये किस तरह से निकाली है, 4 L इक्वल टू ज़ीरो निकालते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं J इक्वल टू L प्लस S, ज़ीरो प्लस हाफ इक्वल टू हाफ, एंड L माइनस S ज़ीरो माइनस हाफ इक्वल टू माइनस हाफ। तो इसके लिए जे की वैल्यू हमारी एस के लिए हाफ एंड माइनस हाफ। हम पी के लिए निकालेंगे, पी के लिए हमारी एल की वैल्यू होती है वन, बिल्कुल सेम तरीके से हम फॉर्मूले के अंदर वन पुट करेंगे इस थ्री बाई टू, एंड फोर एल माइनस एस के लिए वन बाई टू, एंड हम टू पुट करेंगे तो वैल्यूज होंगे हमारी फाइव बाई टू थ्री बाई टू। इस तरह से हमारी सीरीज आएगी, इसमें होगी सेवन बाई टू फाइव बाई टू, इसके अंदर होगी नाइन बाई टू एंड सेवन बाई टू। ये टर्म्स जे की वैल्यूज आई हमारी, ये एल की वैल्यूज, ये हमारी नोटेशन होगी हमारे, हम इस तरह से लिखते हैं, एस के लिए ऊपर टू एस वन बाय टू, पी के लिए टू पी थ्री बाय टू एंड वन बाय टू, डी के लिए टू डी फाइव बाय टू एंड टू डी थ्री बाय टू, एंड एफ के लिए टू एफ सेवन बाय टू टू एफ फाइव बाय टू, एंड जी के लिए नाइन बाय टू एंड सेवन बाय टू। एंड नोटेशन नोटेशन आ जाएगी हमारी टू जी नाइन बाय टू एंड टू जी सेवन बाय टू।